मम्मी सुबह सुबह लग गई हैं दिवाली की सफाई में। आई मीन सफाई नहीं, सफाई तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, अभी बस थोड़ा सामान बिखरा बिखरा पड़ा है, वो तो आप इग्नोर कर देना, वो तो सबके घरों में ही होता है। पर लेकिन अभी मम्मी कर रही है फाइनल डेकोर कर रही है, तो लास्ट ईयर की तरह मैं आपको इस साल भी लिविंग रूम का अपना टूर दे दूंगी। अभी बस कर्टन्स लगाए हैं, ये वाली वॉल क्रिएट करी है, लास्ट ईयर हमने ना वो सामने वाली जिस पे घड़ी लगी हुई है ये वाली फेस्टिव वॉल क्रिएट की थी, इस बार हम ये वाली वॉल कर रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी घड़ी वगैरह पेंटिंग वगैरह खुद मम्मी ने पहले ही लगा दी थी रात, अभी सुबह होते ही फिर से खुराफाती दिमाग लग चुका है काम करने में। और ये वाली जो पेंटिंग है ये हमने कल ही फ्रेम करवाई थी, मैंने बनाई है, ये मम्मी के सौजन्य से बनी है। अरे ये वाली लास्ट ईयर बनाई थी ये, तो आप अगर अपने मेरा बनाई नहीं है ये, मेरे साड़ी उसका सूट का बॉर्डर पड़ा हुआ था तो बनाई तो है, दिमाग तो हमने आपने ही लगाया है, लेस लगा के बना दी। अगर आपने लास्ट ईयर वाला लिविंग रूम टूर नहीं देखा है तो वो देख लेना, उसके अंदर मैंने ये बताया कि कैसे बनाया था, सूट खराब हो गया था मैंने ये बॉर्डर लगा दिया। हाँ तो आप देख लेना, मैं उसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वाली पेंटिंग इसी साल बनाई है, ये नॉर्मल पेपर वगैरह पे करके बनाई है, ये एक्चुअली हम ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, आर्ट बोलते हैं, ये हम ना जब जयपुर घूमने के लिए गए थे ना आमेर फोर्ट से हमने वहाँ पे लिया था, ये बहुत ही चीप प्राइस पे दे रहे होते हैं वहाँ पे पेंटिंग वगैरह, ये तो हम लेकर आए थे, ये इतने दिन से ऐसे ही रखा था, तो मम्मी ने सोचा कि इसको ऐसे फ्रेम पे लगा देते हैं, तो ये लेसेस वगैरह लगा के बॉर्डर बना दिया और पेपर करके पेपर पे चिपकाया बेसिकली ये। और फिर ये क्या बोलते हैं इसको, मिरर नहीं, मिरर तो पता है मुझे, अरे कुछ ऐसी आती है ये ऐसे लगाने वाली आउटलाइनर टाइप आता है, उससे थोड़ा 3D इफेक्ट आ गया देखो। सो ये काफी प्रिटी बनाया है मम्मी ने, आप बताना कि कैसा लग रहा है। और हमने कल ये जुगाड़ नहीं करते हम, हाँ, और कल ये हम बॉर्डर हमने इसको फ्रेम करवा लिया था, तो ये शीशे लग के स्टर्डी भी हो गया और बढ़िया लग रहा है। हम कुछ भी महंगा डेकोर नहीं करते, जो कुछ हमारे पास होता है ना उसी से, मतलब हमने ओवर द ईयर से कलेक्ट करके रखा हुआ है सामान और उसी को इधर उधर करके अरेंज करके वही सही लगता है। मतलब आप देखना कि लास्ट ईयर और इस साल वाला जो सामान है हमने कुछ भी नया नहीं लिया, इस साल हमने कोई शॉपिंग नहीं करी, और जो लास्ट ईयर हमने जो सामान लगाया था ना वो और इस साल भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस उनकी अलाइनमेंट और उनकी हर जगह अलग अलग कर दी, जहाँ पहले कुछ और था तो उसकी जगह कुछ और लगा दिया, बस हमने स्पेस चेंज करा है, अलाइनमेंट चेंज करी है। बाकी आप देख ही लोगे कि कैसा लग रहा है पूरा घर, मैं आपको लिविंग रूम टूर दूंगी तो उसमें आप बताना कि कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल माते ब्रेकफास्ट बना दो। गाइज किसी को भी पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट करवाना हो तो कॉन्टैक्ट माई मॉम। यार अभी मैं अपने रूम से आई, मेरे को पूरे घर में पेंट की आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रही है, मेरा ध्यान भी नहीं गया इस पे, और अब ये देखो इनको फुल मम्मी ने पेंट कर दिया, ये ऐसे था देखो सिल्वर सिल्वर कलर के थे ऐसे हो रखे थे, तो मम्मी ना कल मेरे साथ जाके वो वाला पेंट लेके आई थी, वो रखा देखो दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ दिखाना कौन सा पेंट है ये, एशियन पेंट ऑयल पेंट है, ऑयल पेंट ये वाला कोई पेंट है देखो आप, ये गोल्डन वाला, तो ये गोल्डन कर रही, अरे मेरे हाथ पे भी लग गए, साफ नहीं हो रहा है, तो ये पूरे मम्मी ने इस पे कलर कर दिए, आजकल इनका फुल खुराफाती दिमाग चल रहा है, इतनी क्रिएटिव हो रही हो ना आजकल, वैसे तो क्रिएटिव है, और वो भी दिखाती हूँ, ये देखो ये ना डिटर्जेंट का बॉक्स था, इन्होंने इसका भी क्या बनाते हैं क्या बोलते हैं इसको, प्लांट वास बना दिया, ये इसके कान, और ये ना ऐसे था देखो, यहाँ से था इसका ढक्कन, इसको उल्टा करके इसको ऐसे कट वट करके इसे प्लांट लगा दिया। ये वाले हमारे पुंगी बजाने वाले भी ओल्ड हो गए थे, इसको एक तो टूट गया, टूट गया एक, एक टूट गया, इसका साथ ही जो था बस यही बचा हुआ है, हाँ इसको रीपेंट कर रही है मम्मी। सो गाइस मैं अपने वर्कआउट करने के लिए एकदम रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे 1 आवर की वॉक करने के लिए जाना है, और क्योंकि पूरे दिन घर में बैठे बैठे भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है, सो एक घंटे की वॉक तो मतलब ऐसा थेरेपी टाइप होती है मम्मी के लिए, जैसे ये काम थेरेपी है ना ऐसे मेरे लिए वॉक और वर्कआउट थेरेपी होता है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, एक पुराना हो गया ना दे रही हूँ। सो अभी फिलहाल मम्मी को ये काम करने देते हैं जो ये कर रही है,
मैं चलती हूँ अपनी वॉक करने एंड आपको मिलती हूँ वॉक करने के बाद। सो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं दिवाली की थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खरीदा था इस बार। हम वैसे भी कुछ नहीं खरीद रहे, सब कुछ ऑलरेडी रखा ही है लास्ट ईयर का। ये वॉशिंग मशीन पीछे इसलिए रखी है क्योंकि आज उधर वाली बालकनी साफ हुई थी और मशीन भी साफ हुई थी, तो अभी मैंने कहा था कि पहले वो सूख जाने दो। वैसे तो सूख गई है, अंदर रखनी है अभी ये। सो ये भी देखो अच्छे से साफ करिए, दिखा देती है एक बार, अंदर से भी फुल क्लीन। सो ये तो मतलब क्लीनिंग तो सब कुछ हो ही चुकी है अच्छे से, बस अभी डेकोर का भी ऑलमोस्ट हो गया फाइनल। तो जब दिवाली एकदम मतलब जिस दिन होगी उससे एक दिन पहले ही करेंगे, बाकी सब हो गया। अभी छोटा छोटा सामान लेके आ रहे हैं, जैसे कि वो दिए वगैरह, रंगोली, ये सब ला रहे हैं। डेकोर का तो कुछ नहीं ला रहे। सभी फिलहाल मार्केट चलते हैं क्योंकि ये मेरे पीछे बहुत देर से पड़ी है कि चल ले, तो मैंने कहा चलो फाइनली। अभी कह रही है मत जाओ यार। चलो जल्दी चलो, मैं मार्केट में दिखा दूंगी आपको थोड़ा थोड़ा। हैप्पी छोटी दिवाली। सो सीधा कल से आपको मैं आज मिल रही हूँ, मतलब एक दिन बाद मिल रही हूँ, क्योंकि कल मार्केट जाने के बाद ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया था मार्केट का। मैं बोल रही थी आपको कि दिखा दूंगी, बस रंगोली का ही दिखाया मैंने, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही मार्केट में भीड़ हो रही थी। हम थोड़ा बहुत सामान लेके आए थे, स्टैंड वगैरह मैं आपको दिखा दूंगी वो क्या लेके आए थे। बाकी बिल्कुल भी ऐसा मतलब व्लॉग करने का हो ही नहीं रहा था मार्केट में, क्योंकि भीड़ ही भीड़ थी बहुत ज़्यादा। दिमाग ऐसा हो रहा था कि व्लॉग ही क्या करूं। सो बस हम सामान ले आए थे, कल भैया भी आ गया था और आज छोटी दिवाली पे पापा भी आ गए। पापा एक्चुअली पहले रुड़की गए थे, अम्मा से मिलके आए वहाँ पे, फिर उसके बाद आज घर पे आ गए। सो आज हैप्पी डे भी है क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान मैच भी जीत गया है और इतनी खुशी। अरे यार मतलब विराट कोहली को देख के जैसे वो रो गया ना आज, मतलब मेरा तो यहाँ आ गया था, दिल बिल्कुल बाहर ही आ गया था ऐसे करके। तो सब तो अलग बात है, अच्छा मतलब लिटरली आज हैप्पी दिवाली हो गई इंडिया पाकिस्तान का मैच देख के। सो अभी बस फिलहाल भैया और पापा कहीं बाहर गए कुछ सामान वामान लेने के लिए। बाकी छोटी दिवाली है तो हम थोड़े थोड़े दिए आज भी जलाते हैं, तो मम्मी अभी उनकी प्रिपरेशन कर रही है मंदिर में, और बाकी घर थोड़ा सा देख लो। चलो ऐसे दिखा देती हूँ, हाँ कि मैंने थोड़ा सा मतलब मैंने नहीं, मम्मी ने डेकोरेट कर दिया है। वो तो आपको एक सेपरेट व्लॉग मिल ही जाएगा जो भी डेकोर वगैरह करा है लास्ट ईयर के जैसे। बाकी अभी फ़िलहाल दिया जलाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इतने थक गए हैं, मतलब मैं तो ज़्यादा नहीं, मम्मी लग रही है भाई कामों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे 8 दिन बाद पेपर है। मम्मी को बुखार हो रहा है, मम्मी ऐसा कह रही है। मम्मी को बुखार हो रहा है, फिर भी मम्मी बहुत सारा काम कर रही है। मम्मी को प्रेस करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ओके। सो या मैं हम लोग आज इडली खाने के लिए जाएंगे बाहर। हैप्पी छोटी दिवाली एवरीवन।